हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपांकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रिसेंटली गया था पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बर्ड फोटोग्राफी के लिए। तो इस वीडियो में अप्रॉक्स 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड में मेरा जो यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे इस बार यहाँ पे क्या क्या बर्ड स्पीसीज का फोटोग्राफ्स मिला और हिल बर्ड्स को शूट करने के टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है उसके बारे में और उसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में और यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। तो पैलियोटिक रेलिम और इंडो मालयन रेलिम के जंक्शन में सिचुएटेड होने के कारण पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज के बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो ऑल्टीट्यूडिनल रेंज है वो है अप्रॉक्स 5,000 फीट से अप्रॉक्स 14,000 फीट के अंदर पड़ता है और इसलिए यहाँ पे इस ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशन में बर्ड स्पीसीज का भी बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मेरा इस बार का जो सिक्किम टूर था वो 5 डेज का था और डे 1 में हम लोग जब ट्रेन से एनजेपी स्टेशन पे उतरे थे तो सुबह ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे थे। तो हमें एनजेपी से पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक ले जाने के लिए हमारा इस टूर का जो ऑर्गेनाइजर, हमारे बर्डिंग गाइड और हम जिस होमस्टे पे रहेंगे टिबेटियन विला उसके ओनर खुद नामजल जी आए थे हमें यहाँ से पिकअप करने के लिए। तो हम बेसिकली जिस होमस्टे पे रुकेंगे टिबेटन विला वो जुलुक पे है और यहाँ पे एनजेपी से पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जुलुक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 150 किलोमीटर है। तो हम इस टोटल जर्नी बर्डिंग करते हुए हमारा जो डेस्टिनेशन है जुलुक उसके तरफ चल पड़े थे। तो इस जर्नी के दौरान नामजल जी ने सबसे पहले स्पॉट किया द ब्यूटीफुल द व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रस्ट। मीडियम साइज का ये बर्ड एक सोशल बर्ड है और हमारे यहाँ पे जंगल बैबर के जैसा ये बर्ड भी 6 से 12 बर्ड्स के एक फ्लॉक्स में ही जनरली देखने को मिलता है। तो इसके बाद यहाँ पे ही हमें ब्लैक चिन यूहिना का कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस मिला। ये ब्यूटीफुल स्मॉल बर्ड जनरली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया का कुछ एरियाज में जनरली पाए जाते हैं। तो साइज छोटा होने के कारण और मूवमेंट बहुत ही फास्ट होने के कारण इसके फोटोग्राफ्स लेना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग है। यहाँ पे मुझे और एक ब्यूटीफुल स्मॉल बर्ड के कुछ इमेजेस मिला जो कि मुझे लगता है ये येलो वेंटेड वेबलर है पर मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। अगर आपको पता है ये कौन सा बर्ड है या कौन सा वेबलर है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके बाद हमें रास्ते में एक कोरल ट्री फ्लावर के ऊपर रूफोसिविया, हिमालयन बुलबुल, हिमालयन ब्लैक बुलबुल, ब्लैक बर्ड्स और भी बहुत सारे कॉमन अनकॉमन बर्ड्स के फोटोग्राफ्स मिला।
तो इस बंगाल से सिक्किम में इंटर करने के बाद हम रंगपो में और रोंगली बाजार में हम ब्रेकफास्ट के लिए उतरे थे और उसके बाद परमिट लेके हमारा जो डेस्टिनेशन है जुलुक उसके तरफ चल पड़े थे। तो जाने के टाइम इस दिन और भी कुछ बर्ड स्पीसीज हमें देखने को मिला था, पर मेरा इस दिन तबीयत थोड़ा सा खराब था तो इसलिए मैं कार में रहना ही ठीक समझा। जुलुक जो कि अप्रॉक्स 10,000 फीट अल्टीट्यूड में इस सिक्किम में रंगोली सब डिविजन का एक ब्यूटीफुल स्मॉल हैमलेट है जो कि सिक्किम का पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। चारों तरफ ब्यूटीफुल पहाड़ी जंगलों से सराउंडेड इस ब्यूटीफुल विलेज एक टाइम में एक ट्रांसिट पॉइंट हुआ करता था हिस्टोरिक सिल्क रूट का। टिबेट में चाइनीज इन्वेजन से पहले ये रूट बेसिकली इंडिया और टिबेट के बीच में ट्रेडिंग के लिए यूज होता था, पर 1962 से जिलेपला पास से क्लोज होने के बाद अभी इंडिया और चाइना के बीच जो ऑफिशियल कॉरिडोर है वो है नाथुला पास और वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस दिन हम लोग जब जुलुक पे पहुँचे थे तो दोपहर को ऑलमोस्ट 3 बज रहा था और अभी मार्च का महीना है और इस टाइम यहाँ का जो टेम्परेचर था वो अप्रॉक्स 5-6 डिग्री सेल्सियस था। तो बेसिकली इतने हाई अल्टीट्यूड में जुलुक में आपको कोई प्रॉपर होटल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सारे होमस्टेज ही देखने को मिलेगा जो कि यहाँ का लोकल लोग ऑपरेट करता है। तो हम लोग जिस होमस्टे पे रुके थे वो था टिबेटन विला। ईच रूम वॉज रियली वेरी क्लीन विथ 2 बेड और अटैच्ड बाथरूम। यहाँ पे ईच बेड में जो बेडशीट था वो बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा और ईच बेड में 2 ब्लैंकेट्स और यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ है वो है विंडो से और बैल्कोनी से जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो थैंक्स टू नामजल जी। यहाँ पे इतने हाई अल्टीट्यूड में आप बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास फैसिलिटीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट डे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग को हम बर्डिंग के लिए निकले थे। और यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे ही हमको देखने को मिला द हिमालयन मोनल। तो बेसिकली इस दिन हम जुलुक से और भी हायर अल्टीट्यूड में बर्डिंग करने के लिए गए थे और थंबी व्यू पॉइंट के थोड़ा सा करीब हम इस दिन हिमालयन मोनल को स्पॉट किए थे।
तो यहाँ से सिल्क रूट का जो ज़िगज़ैग रोड का नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसी सिल्क रूट के बीच बीच में से जो सर्ब्स लैंड है उसमें ही आपको हिमालयन मोनल देखने को मिलेगा। और इस दिन हम इसी जगह पे ऑलमोस्ट 4-5 मेल फीमेल लेके हिमालयन मोनल देखे थे, पर यहाँ पे डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण इस दिन हमें कुछ खास इमेजेस नहीं मिला था। तो इसी सिल्क रूट के आसपास जो सारे सर्ब्स लैंड आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे और एक ब्यूटीफुल एनिमल देखने को मिलेगा जो कि है द हिमालयन गोरल। पर यहाँ पे सैड बात यह है कि ड्यू टू द हैबिटेट लॉस और हंटिंग इस ब्यूटीफुल एनिमल का पॉपुलेशन भी बहुत ही जल्दी घट रहा है, और इसलिए IUCN लिस्टेड दिस स्पीसीज एज ए नियर थ्रेटेंड स्पीसीज। इसके बाद यहाँ पे ही कुछ दूरी पे नामजल जी ने स्पॉट किया द स्टेट बर्ड ऑफ सिक्किम, द गॉर्जियस, द ब्लड पीजेंट। हिमालयन मोनल के जैसा ये बर्ड भी मेरा फेवरेट के लिस्ट में था, और यहाँ पे हिमालयन मोनल या इस बर्ड को देख पाना ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। व्हाइट बर्ड फुलवेटा, ये ब्यूटीफुल स्मॉल सॉन्ग बर्ड बेसिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया का इंडेमिक स्पीसीज है, और जनरली इंडिया, भूटान, म्यांमार, नेपाल और वियतनाम में पाए जाते हैं। ये बर्ड यहाँ पे बहुत ही कॉमन है और मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल इमेजेस मिला इस ब्यूटीफुल बर्ड का। यहाँ पे और एक ब्यूटीफुल बर्ड से मेरा मुलाकात हुआ जो कि है द ग्रे क्रेस्टेड टीट। हिमालयन फोटहिल्स में पाए जाने वाले ये बर्ड्स भी जनरली माउंटेन्स रीजियंस के जो टेम्परेट या ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनमें देखने को मिलता है, और लकीली मुझे यहाँ पे इस ब्यूटीफुल बर्ड्स का भी कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करने को मिला था। अगर आप मार्च या अप्रैल महीने में यहाँ पे आएंगे तो इस टाइम यहाँ पे जो ब्यूटीफुल रोडोडेंड्रॉन है और भी जो सारे बाकी नोन अननोन हिल फ्लावर है वो अभी ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और इसलिए इस टाइम पहाड़ का जो ब्यूटी है वो और भी शानदार दिखने को लगता है। तो इस दिन लंच के बाद सेकेंड हाफ में रोडोडेंड्रॉन फ्लावर के ऊपर हमें देखने को मिला द गॉर्जियस बर्ड थ्रोटेड मिलना या बर्ड थ्रोटेड सिवा। तो इन्हीं सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स को देख के मेरा मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि इनमें से ज़्यादातर स्पीसीज सिर्फ हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिली रीजन में ही पाए जाते हैं, और हम बहुत ही लकी है कि नेचर के इस ब्यूटीफुल क्रिएशन को हम देख पा रहे हैं। तो इस दिन हमें और भी बहुत सारे बर्ड स्पीसीज के फोटोग्राफ्स मिले थे, जैसे कि द फायर टेल सनबर्ड, द ब्यूटीफुल रूफस विंग फुलवेटा, द ग्रेट पैरोट बिल।
तो नेक्स्ट डे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले स्पॉट हुआ द बर्ड ऑफ प्रे, द मैजेस्टिक, द हिमालयन बजर्ड। तो बेसिकली नामजल जी यहाँ पे मॉर्निंग में या फर्स्ट शिप में हमें जुलुक से जो हायर ऑल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे ले जाते थे, और आफ्टर लंच सेकेंड हाफ में हमें जुलुक से जो लोअर ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे बर्डिंग के लिए ले जाते थे। और जैसे मैंने कहा कि इससे ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन के वजह से दोनों जगह पे बर्ड स्पीसीज का भी बहुत ही ज़्यादा फर्क होता था। तो इस दिन हम बर्डिंग करते हुए नाथांग वैली तक गए थे। नाथांग वैली अप्रॉक्स 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड इस ब्यूटीफुल जगह चारों तरफ से बर्फीले हिल्स या माउंटेन से सराउंडेड है। मंथ ऑफ जनवरी से अप्रैल तक बर्फ के चादर से मुड़ा इस जगह का जो लैंडस्केपिंग ब्यूटी है वो बहुत ही अमेजिंग था, और इस जगह को कहा जाता है द लद्दाख ऑफ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे भी हमें कुछ बर्ड स्पीसीज देखने को मिला, जैसे कि रेड बिल चॉफ, ब्लैक रेड स्टर्ट, और यहाँ पे फिंच के कुछ स्पीसीज हमें देखने को मिला था। तो इस दिन अपना लंच के बाद मुझे मेरा और एक फेवरेट बर्ड स्पीसीज के इमेजेस मिला, जो कि है द फायर टेल्ड माइजॉर्निस। टोटली ग्रीन प्लामेज के ऊपर फायरली रेड टेल का ये बर्ड रेड रोडोडेंड्रन के ऊपर एक अलग सा ही ब्यूटी क्रिएट कर रहा था। दोस्तों, हिल बर्ड्स का फोटोग्राफ्स लेना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि जनरली पहाड़ों में जो सारे जंगल होता है उसमें लाइट के वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा लाइट, कहीं पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और यहाँ पे जो सारे बर्ड्स मिलता है उनमें ज़्यादातर बहुत ही छोटा होता है, और उसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो इसलिए इन सारे बर्ड्स को शूट करने के लिए आपका कैमरा का फोकस भी बहुत ही फास्ट होना चाहिए, और आपको प्रॉपर सेटिंग्स भी चाहिए होता है। और यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेदर बहुत ही जल्दी चेंज होता है, तो इसलिए लाइट भी ऑलवेज चेंज होते ही रहता है। तो इसलिए लाइट के साथ साथ प्रॉपर सेटिंग्स और प्रॉपर टेक्निक्स होना बहुत ही ज़रूरी है हिली बर्ड्स को शूट करने के टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे ऑटो फोकस मोड की बात करूँ, तो ऑलवेज यहाँ पे हिल बर्ड्स को शूट करने के टाइम आप एफ सी मोड में या कैनन में AI सर्वो एफ मोड में सेंटर का सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट को ही यूज़ करें। और अगर आप बिगिनर्स हैं और आप एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी या इवन आप मैनुअल मोड में भी शूट करते हो, तो मैं आपसे यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ऑटो ISO का ही यूज़ करें, और अपना मॉडल के हिसाब से जो मैक्सिमम ISO में आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है, मैक्सिमम ISO को आप उस ISO नंबर पर ही सेट करके रखिए। तो नेक्स्ट डे हम फर्स्ट हाफ का सारा टाइम सिर्फ हिमालयन मोनल के फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए ही दिए थे। तो जनरली हायर ऑल्टीट्यूड में हिमालयन फॉरेस्ट और सब्सलैंड में पाए जाने वाले इस ब्यूटीफुल बर्ड्स के फोटोग्राफ्स कैप्चर करना पेंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सभी का टॉप प्रायोरिटी के अंदर था, और इसलिए हम इस दिन फर्स्ट हाफ के सारे टाइम इस हिमालयन मोनल को देखने या उसके फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए ही दिए थे। और इस दिन हमें मेल और फीमेल मिला के ऑलमोस्ट 15 हिमालयन मोनल देखने को मिला था, और बहुत सारा ब्यूटीफुल इमेजेस और वीडियोस कैप्चर करने को मिला था।
तो लास्ट दिन हम एनजेपी जाने के टाइम भी टोटल रास्ता बर्डिंग करते हुए गए थे, और इस दिन भी हमें बहुत सारे स्पेशल बर्ड स्पीसीज के फोटोग्राफ्स कैप्चर करने को मिला था। तो इस दिन हमें जो जो बर्ड स्पीसीज कैप्चर करने को मिला था उसमें है द ब्यूटीफुल ग्रीन टेल्ड सनबर्ड, द स्ट्रेक ब्रेस्टेड स्कीमिटर बैबलर, द स्ट्राइप थ्रोटेड यूहिना, द अमेजिंग ब्लैक थ्रोटेड पैरोटबिल। और मुझे यहाँ पे जो जो सारे बर्ड स्पीसीज को कैप्चर करने को मिला था, इस ब्लैक थ्रोटेड पैरोटबिल के फोटोग्राफ्स कैप्चर करना इसमें से सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि ये बर्ड्स बहुत ही छोटा था और जो मूवमेंट था वो बहुत ही फास्ट था। ये बर्ड जनरली एक बहुत ही बड़ा फ्लॉक्स में आपको देखने को मिलेगा और इसके फोटोग्राफ्स लेना बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके बाद हमें मिला था ब्राउन पैरोटबिल, द गॉर्जियस ग्रीन बैक्ड टीट, द क्यूट ग्रे हेडेड वॉबलर, द कॉमन बर्डिटर फ्लाई कैचर, द चेस्टनट क्राउन्ड लफिंग थ्रस, और द ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड। इसके अलावा भी हमें और भी कुछ बर्ड स्पीसीज के फोटोग्राफ्स भी कैप्चर करने को मिला था। सो फाइनली मैं सबसे पहले थैंक्स कहूँगा ग्ले नामजल भुटिया जी को फॉर ऑल ऑफ दिस ब्यूटिफुल अरेंजमेंट्स और हॉस्पिटैलिटी। हम सभी को यहाँ पे जो जो बर्ड स्पीसीज के फोटोग्राफ्स कैप्चर करना था, नामजल जी ने उन सारे स्पीसीज को हमें दिखाया, तो थैंक यू अगेन फॉर दैट। ऑल द अरेंजमेंट्स एंड फूड वाज वेरी वेरी फैंटेस्टिक। और मुझे अगर फिर से पेंगोला का जाना है या जुलुक जाना है तो मैं नामजल जी से ही कॉन्टैक्ट करूँगा। अगर आप जुलुक या पेंगोला का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नामजल जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डायरेक्ट उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और मैं इस टूर में बाकी जो सारे टीम मेंबर्स थे उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा इस ब्यूटीफुल टूर को मेमोरेबल बनाने के लिए। तो थैंक यू तापस दा फॉर प्लानिंग दिस टूर, थैंक यू माई फ्रेंड बिप्लब दास, थैंक यू बिमल भास्कर, थैंक यू काकोली मुखर्जी, और थैंक यू ओगडिभो शाह। मैं इन सभी का इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप चाहे तो आप इनके बर्ड फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में।